बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मूज। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, 1 kg मिल्क है, उसमें से 1 कप हमने हाफ सेपरेट कर लिया। एक बिस्किट का पैकेट सुपर है, वनीला एसेंस है, शुगर है 1 कप, 1 कप मिल्क जो हमने सेपरेट कर लिया था, 2 कप केक को हमने तोड़ लिया है, 2-3 चॉकलेट ली हैं, चाइना ग्रास का पैकेट लिया है और कोको पाउडर लिया है। तो दूध हमने बॉयल कर लिया और उसको हमने सेपरेट कर लिया है। 1 कप हाफ कप मिल्क लिया, उसमें हाफ हमने चाइना ग्रास जो है वो ऐड करी है और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे और ये जो हमारी ये शुगर है इसको भी हम हाफ मिल्क में ऐड करेंगे। तो जी ये मिल्क में हमने चाइना ग्रास ऐड कर लिया, अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और ये जो हमारी शुगर है वो भी हम हाफ इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो जी ये एक इसका जो कैप है वो हमने इसमें ऐड किया, अब हम एक और कैप इसके अंदर ऐड करेंगे और अब इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। जब तक तो इसको मीडियम फ्लेम में हमने पकाना है, बार बार चम्मच को हिलाते जाना है साथ साथ ताकि इसमें लम्स पैदा ना हो। जनाब 30 मिनट हो चुके हैं और ये आप थिकनेस देख सकते हैं, ये हमारी मिल्क जेली रेडी हो गई है। जो हमारा कोल्ड मिल्क है इसको भी हम हाफ जो है वो कप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच कोको पाउडर की लिए हैं और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो ये हमने पतीली ली है, इसके अंदर हमने हमारा जो 1/2 kg मिल्क था वो हमने इसमें ऐड किया है और क्योंकि ये पका हुआ था पहले से ही। और अब इसके अंदर हम कोको पाउडर और शुगर जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हमने कोको पाउडर को ऐड कर लिया है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत हो तो और शुगर ऐड कर लें क्योंकि मैं इसमें केक वगैरह शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शुगर और ऐड करी है, अगर आप नहीं करना चाहें तो ना करें। और इसमें अब 1 कैप जो है हम इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर रहे हैं। ये कुक हो चुका है और आप इसका टेक्सचर देखें कितना ठीक है। तो जी अब हम इस फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हम डेकोरेशन की तरफ जाते हैं। तो ये हमने 1 कप लिया है, इसके अंदर हमने हमारे जो सुपर बिस्किट थे वो हमने तोड़ के इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। ये 1 पैकेट
फास्ट सुपर बिस्किट का टिक्की पैक, अब इसमें हम अपनी मिल्क जेली ऐड करेंगे। अब इसमें हमने जो चॉकलेट सिरप बनाया था वो ऐड करेंगे इसमें। इसको स्प्रेड कर देंगे हम चारों तरफ। तो ये कॉर्नर्स पे लग गया था तो ये मैंने साफ कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हमारे कपकेक थे ये हम इसके अंदर स्प्रेड करेंगे। अब हम इसमें दोबारा से हमारी जो मिल्क जेली है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये जम गई इस वजह से, ये इसके अंदर लम्स नज़र आ रहे हैं, मैंने रख दिया था जमने के लिए। अगर आप उसी वक्त बनाएंगे तो ये नहीं, इसके अंदर लम्स नज़र नहीं आएंगे। अब इसी के साथ साथ इसके अंदर हम हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो कॉर्नर्स पे लगाएंगे, सेट करेंगे इस तरह से। और ये जो कपकेक बच गया था ये भी इसमें ऊपर से डाल देंगे। हमारे पास जो ये चॉकलेट कटोरी भी रखी हुई थी, अब ये हम इस पे दोबारा से थोड़ी सी चॉकलेट जगह जगह पे लेके डाल देंगे। तो जी देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, ये रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद इसका लुक ये है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और अपने बच्चों को कोशिश करा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में बनी हुई चीज़ें पका के खिलाएं। तो जी मेरी बेटी टेस्ट कर रही है, बहुत मज़े का लग रहा है, यम्मी यम्मी सा। ये डिश ज़रूर आप जो है ट्राई करिएगा।